कांग्रेस ने आखिरकार चुनावी हिंदू का चोला उतार ही दिया। मतलब यह कि चुनावों के दौरान अपना राहुल गांधी मंदिर मंदिर मत्था टेकेंगे और ना ही उन्हें जनेऊधारी ब्राह्मण बनने की जरूरत है। अब ना प्रियंका गांधी वाड्रा गंगा में डुबकी लगाएंगी और ना ही गंगा यात्रा पर निकलेंगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि कांग्रेस का मानना है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल चला नहीं, इसलिए अब इसे ढोते रहने का कोई फायदा नहीं है। शिविर में मांग की गई कि चुनावों के वक्त पार्टी नेतृत्व मंदिर मस्जिद चर्च या दूसरे धार्मिक स्थलों में ना घूमे। चिंतन शिविर में मौजूद कुछ सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ऐसा करने से कांग्रेस के वोटर भ्रमित होते हैं और इससे सही संदेश नहीं जाता। यही नहीं, इस प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कांग्रेस को बीजेपी के सामने एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष स्टैंड लेना चाहिए। बीजेपी की धार्मिक राजनीति रूख को देखते हुए पिछले कुछ सालों में हुए चुनावों में अक्सर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाकर दर्शन करते देखा गया है। माना जाता है कि इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी, लेकिन चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के चिंतन शिविर के दूसरे दिन पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश इकाई के अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि इस चिंतन शिविर में विभिन्न विषयों पर हुई अब तक की चर्चा और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कई अन्य नेता मौजूद थे। कांग्रेस के इस चिंतन शिविर के पहले दिन सोनिया गांधी ने कांग्रेस में आमूलचूल बदलाव की पैरवी करते हुए कहा था कि असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।